राजस्थान के लाखेरी में बुधवार को शाम शहर में चुंगीनाका के तरफ से आ रहे युवक की चाइनीज मांझे से गर्दन को बचाने के चक्कर में उंगलियां कट गई। चाइनीज मांझे से घायल युवक शोभित शर्मा ने बताया कि हम लोग चुंगीनाका नंबर एक की तरफ से आ रहे थे, तो गांधीपुरा में कटी पतंग के साथ चाइनीज मांझा रोड पर आ गया और मेरी गर्दन से रगड़ खाता प्रतीत होने पर हाथ द्वारा हटाया गया, तो हाथ की उंगलियों में कट लग गया, जिसका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर उपचार करवाया। उंगलियों में 4 टांके आए, जिसका प्राथमिक उपचार कर भेज दिया गया। इस हादसे में घायल व्यक्ति द्वारा चाइनीज मांझे बेचने वालों पर कार्यवाही करने हेतु उपखंड अधिकारी को अवगत कराया। आपको बता दें कि चाइनीज मांझा का व्यापार लाखेरी में धड़ल्ले से हो रहा है, जिस पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब देखते हैं आज के इस हादसे के बाद प्रशासन हरकत में आता है या नहीं। आपके साथ मैं बाजार से आ रहा था गांधीपुरा की तरफ से, तो पतंग का मंजा आया जो गर्दन पे आ गया था, उसको आटने लगाने के लिए थोका ना, तो उंगली कट गई मेरी, बहुत खून हो रहा है। तो कितनी उंगलियां कटी आपकी? ये तो इस बारे में आपने यहाँ प्रशासन को सूचित किया? अब आए हैं अभी यहाँ पे प्रशासन पाए, पर SDM साहब नहीं है यहाँ पे। SDM साहब कहाँ गए? वो फील्ड में बता रहे जा रहे हैं। अच्छा, देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।